गुड मॉर्निंग ग्रेड 3-9 रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमने सिंपल फाइंड करना है x, जैसे हमने पीछे एक्सरसाइज में किया है। यहाँ क्या है, log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5। हमने क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे, तो 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x। तो 3 की पावर 5 क्या होती है, हमारे पास 243, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 243। सेम इसी तरह से log x टू द बेस 64 इज इक्वल टू -2/3, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट किया। तो अगर मैं देखूँ 64, 4 का परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है, यानी कि 4 × 4 × 4 क्या होता है, मेरे पास 64 होता है। तो मैं क्या करूँगी कि पहले लिख दिया 4 का क्यूब, और फिर मैंने इसकी ब्रैकेट खोल के 3 से कैंसिल हो गई और रह गया -2, 4 की पावर -2। माइनस का इफेक्ट खत्म करने के लिए मैं इसको 1/4 में ले गई, 1/4 स्क्वायर, ये क्या होता है, 1/16। इस तरह से आपने इसके बाकी भी 2 और 3 पार्ट जो है करने, और साथ में जो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है उसमें सिंपल आपने लॉग की टेबल से जो है ना वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वो आपका होमवर्क होगा। आप फिर क्वेश्चन नंबर 4 खुद कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।